आखिर में उसको डॉक्टर बना गया, लेकिन वो तो ख्वाजा सिरा है। अरे हम तो मुकम्मल जिन्स है ना। अरे ये वसीम का मुंह ना होता ना अगर, तो मैं तुम्हारी लड़की से कभी अपने लड़के की शादी ना करती। एहसान मानो मेरा, और ये तो वैसे ही पागल है। बस कर दें आपा, बहुत हो गया। आप मुझ पर और मेरी बेटी पे ये शादी का एहसान ना करके हमारी जिंदगियों पे आखिरी एहसान कर दें। कहां गई है वो? मुझे बताए बगैर, मुझसे पूछे बगैर कहां गई है? आ जाएगी वो। आप ये बात बात पे झगड़ा करने का मौका तलाश करते हैं, चाहते क्या हैं आप? सुन लो, जबान देख रही हो उसकी कितनी बड़ी हो गई है। अरे मुझे क्या कह रहे हो, मैं तो रोज ही भुगतती। मगर मैं नहीं भुगतूंगा। बताओ कहां गई है वो? कहां गई है वो? अब्बा, ये आप क्या कर रहे हैं? कहां गई थी तुम? वो मैं अपनी किससे पूछ के गई थी? मैं अम्मी को बता के गई थी। मैं मर गया हूं? इस घर में मेरी कोई हैसियत है कि नहीं है? सारे फैसले तुम माँ बेटी आपस में कर लेते हो, मुझे मारी दो। क्या हो गया है आपको? क्या बिगाड़ा है हमने आपका? क्यों हमारे साथ आप परायों जैसा सलूक करते हैं? मारना चाहते हैं हमें? मार ही तो रहे हैं आप, सुबह शाम हर वक्त हमें मार रहे। काम करें, एक ही बार हमें मार दें। अरे कैसे जबान चल रही है? ये सब तुम्हारी माँ की तरबियत है। अम्मी की तरबियत पे तो सवाल भी मत उठाइएगा। ये उन्हीं की तरबियत है जो हम आज भी आप लोगों की इज्जत करते हैं। और अगर हमारी जिंदगी में कमी थी ना, तो वो एक बाप की कमी थी। चुप, चुप कर जा। नहीं करूंगी आज मैं चुप, बहुत हो गया है। फाखरा इसको चुप करवा ले। हरी, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अम्मी आज नहीं, मैं आज चुप नहीं करूंगी। मेरा हाथ उठ जाएगा इस पे, चुप करवा इसे। शर्म नहीं आती जरा सी, बाप के सामने जबान चलाती है। थैंक यू। मैंने आपसे कहा था ना डॉक्टर, मगर आपने जो कहा वो भी ठीक कहा था। बस यही है हमारी जिंदगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ, लेकिन इनकी ये हालत देखकर मुझे गुस्सा आ गया था। मेरे बस में कुछ भी नहीं है, ना मैं कुछ कर सकती हूँ, लेकिन एटलीस्ट कोशिश तो कर सकती हूँ ना। आप प्लीज मेरे साथ चलें, मैं एक दफा उनसे बात करना चाहती हूँ। नहीं बेटा, वसीम बहुत गुस्से वाले हैं, और उनको अब तो और भी गुस्सा आ गया होगा। मैं नहीं चाहती कि तुमसे बदतमीजी करें। आप मेरी फिक्र मत करें, आप प्लीज मेरे साथ चले, मैं एक दफा उनसे बात करना चाहती हूँ। क्या प्लीज? आइए डॉक्टर साहब, अंदर आइए। अब्बा, यह है वो मेरी दोस्त जिसके पास मैं गई थी। आइंदा तुम जब भी घर से बाहर जाओगी, किससे मिलने जाओगी, मुझसे पूछ के जाओगी। रुके, मैं डॉक्टर मरियम हूं और आपसे ही मिलने आई।
बोलो। आप जैसे बाप भी होते हैं, ताज्जुब है मुझे इस बात पे। और फाखरा आंटी जैसी माँ, हरीम जैसी बेटी भी होती है, इस बात पर भी हैरत है मुझे। अगर इनकी जगह कोई और होता ना, तो आप इस टाइम पुलिस स्टेशन में होते। एहसानमंद होना चाहिए आपको इन दोनों का। कोई बात रह तो नहीं गई जो इसको मालूम नहीं है? घर की इज्जतों को यूं बाजार में नहीं उछालते। और आपको इस घर के मामले में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ नहीं जानती। बड़े अफसोस की बात है वसीम साहब, आपकी बेटी इतनी लायक है, काबिल है, पढ़ना चाहती है, इसे पढ़ने दें प्लीज। और फाखरा आंटी जैसी माँ, मैं सलाम करती हूँ उन्हें कि उन्होंने हरीम जैसी बच्ची की इतनी अच्छी परवरिश की। हो गया आपका? नहीं, अभी नहीं खत्म हुआ। अभी तक तो मैं एक बाप से मुखातिब थी, लेकिन अब मैं एक जालिम इंसान से मुखातिब हूँ जो शायद ये भूल गया है कि इस दुनिया में और भी ताकत है जो आप जैसे बेलगाम लोगों को लगाम डालने के काम आती हैं। अगर आज के बाद आपने फाखरा आंटी पर हाथ उठाया, तो यहाँ मैं नहीं, पुलिस आएगी। और अगर आपने हरीम की ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश की ना, तब भी यही अंजाम होगा आपका। आइंदा ये बेवकूफ़ी करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूँ, कानून आप लोगों के साथ है। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़। तो ये कहानी कर रहे थे तुम माँ बेटियां? आइंदा ये डॉक्टरानी मुझे इस घर में नजर नहीं आनी चाहिए। तुम्हें क्या लगा मैं इसकी धमकियों से डर जाऊंगा? भूल है तुम्हारी। क्या बात है, जब से हॉस्पिटल से पिक किया है तुम्हें, तुम खामोश बैठी हुई हो। मुझे पता है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की तलाश है, बट खैर हॉस्पिटल से कुछ पता चला रिकॉर्ड्स के बारे में? 20 साल पुराने रिकॉर्ड्स हैं, इतनी आसानी से कैसे मिलेगा? लेकिन कोशिश जारी है। तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह तुम्हारे पेरेंट्स जरूर मिलते। मुझे यकीन तो है। यकीन है तुम्हें? पक्की बात है, 100%। फिर मूड सही करो यार, अब क्या हो गया? आज मेरी उदासी और टेंशन की वजह एक और भी है। क्या? मेरी एक पेशेंट फैमिली है जिसकी बेटी ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी और माँ के माथे पे चोट लगी हुई थी। हाँ, तुम्हें पता है वो सब किसने किया था? किसने? उनके बाप ने। What? शर्म नहीं आती तुम्हें? घर के बाहर से भी अब लोगों को मेरे खिलाफ करोगी? बस कर जाए, अब मैं वो नहीं रही जिसपे बात बात पर आप हाथ उठा सके। मुझे शर्म आती है, मेरी बच्चियां जवान हो गई हैं, उनके सामने मार नहीं खा सकती मैं। जबान कैसे कैंची की तरह चलती है इसकी, एक बात सुन लो फाखरा, और कान खोल के सुन लो, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। मायरा हो या हरीम, दोनों की किस्मत मैं लिखूंगा। हरीम का दिल है या नहीं है, उसकी शादी शिराज से ही होगी, समझ आई तुम्हें? सभी की किस्मत का फैसला आप कर रहे हैं और सभी की किस्मत फूटे जा रही है। बकवास नहीं करो, देखो डर डर बोलती रहती है। आलिया को बेजोड़ रिश्ते में बांध दिया, मायरा की शादी की उम्र हो गई है, और हरीम को आप शिराज के साथ बांध देना चाहते हैं।
बस बोल दिया ना, लड़कियों की किस्मत का फैसला मैं करूंगा। फाखरा हंसना बंद करो। मैं कहता हूँ हंसना बंद करो, वरना तुम मेरा गुस्सा जानती हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वसीम, ये मेरी जीत की हंसी है। पागल हो गई हो तुम? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। मैं और मेरी सारी बेटियां आलिया, मायरा, हरीम, हम सब इस घर में रह रहे के पागल हो गए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि एक की किस्मत आप नहीं लिख सके। कहना क्या चाह रही हो तुम? साफ साफ बात करो। सुनना चाहते हैं। हरीम अकेले पैदा नहीं हुई थी, जिसके साथ हमारी एक और बेटी भी पैदा हुई थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो तुम? हाँ मैं होश में हूँ, हूँ मैं होश में, लेकिन मैं थक चुकी हूँ। इस राज को अपने सीने में छुपाए अब मुझसे नहीं होता। और अब मैं सोचती हूँ कि मैंने जो फैसला किया था वो दुरुस्त। अगर वो बेचारी आ होती तो आपकी वजह से उसकी भी किस्मत फूट चुकी होती। झूठ झूठ बोल रही हो तुम, कुछ नहीं ऐसा। मैं झूठ नहीं बोल रही, यही तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे हसीन सच है। अच्छा तो अगर ये झूठ नहीं है तो कहाँ है, कहाँ है तुम्हारी चौथी बेटी? कहाँ है? आप ऐसे कैसे हो सकते हैं यार ऐसे? मैं भी यही सोच रही थी, कोई बाप कैसे कर सकता है ऐसे अपनी औलाद के साथ, अपने खून के साथ। पता है वो औरतें इतनी मजबूर हैं और हर दूसरे दिन मार खाकर हॉस्पिटल पहुंची होती है, यही उनका एहतजाज करने का तरीका है। Sad यार, it's really sad. उन लोगों ने मुझे अपने घर मदद करने के लिए बुलाया था। तो तुम गई? पहले तो मैंने बहुत मना किया, लेकिन उसके बाद फिर मैं चली गई। वहां जाके मेरी उस घर के सरबराह से, मेरा मतलब है कि उस लड़की के बाप से मुलाकात हुई। और उसको देख के बस मैं यही सोच रही थी कि कोई बाप इतना जालिम भी हो सकता है? आप कैसे कर सकते हो यार अपनी बेटी के साथ इस तरह, अपनी बीवी के साथ? अजीब सी बात है, अगर तुम्हारे बाबा को ही देख लें, वो तो कितना प्यार करते हैं तुमसे। हाँ मेरे बाबा जैसे तो कोई भी नहीं है, और उनके वालिद वो अपनी बेटियों से प्यार नहीं करते, अपना खून है वो उनका, कोई कैसे कर सकता है यार? उनके घर का माहौल इतना डिप्रेस था ना। फिर या औरत, मेरे घर की गैरत इस वक्त किस हाल में है मुझे नहीं पता। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है बेगैरत, सब तुम्हारी वजह से हुआ। ये कोई बेटी नहीं है हमारी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। खून पी जाऊंगा तुम्हारा मैं। खून ही तो पी रहे हैं आप, मेरा और मेरी बेटियों का खून ही तो पी रहे हैं आप वसीम। और इतना इज्जत और गैरत का ख्याल है तो हरीम, मायरा और आलिया को इज्जत देना, क्योंकि गैरत का तकाजा तो यही है। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम। कोई और बेटी नहीं है हमारी, बोलो। कोई और बेटी नहीं है हमारी, कोई और बेटी नहीं है, बोलो। कोई और बेटी नहीं है,
मेरी कोई और बेटी नहीं है, नहीं है कोई और बेटी, नहीं है। क्या सोच रही है मेरी बेटी? कुछ नहीं बाबा। अपने बाबा से भी छुपाओगी? झूठ नहीं बोल रहे। तो फिर बोलो। बाबा मेरे माँ बाप मिल जाएंगे ना? सच्चे दिल से तलाश करने वालों को मंजिल जरूर मिल जाती है। मेरे माँ बाप ही मेरी मंजिल है। मंजिल नहीं होते माँ बाप, वो तो जिंदगी के सफर का आगाज होते हैं। मगर मेरी मरियम के नसीब में माँ बाप ही मंजिल है। ये लो। ये क्या है बाबा? खुद देख लो। तुम्हारी माँ की चेन है ना? उस दिन जब हम नर्सरीना से मिलने गए थे और उसने जब बताया था कि तुम्हारी माँ ने उसको ये चेन दी है, तो मैंने तुम्हारा दिल पढ़ लिया था। तुम अपने माँ की एहसास को छूना चाहती थी ना? आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा है बाबा। आप जितना प्यार तो कोई ऐसा बाप ही कर सकता है। बाबा ये तो बहुत महंगी होगी। ये तो सोने की लग रही है। मेरी मरियम की खुशियों से ज्यादा महंगी तो नहीं? मैं ये पहन लूं? हाँ हाँ पहनो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और बेटा अपने माँ बाप की तलाश जारी रखना, अगर वो मिल जाएंगे ना तो मुझे बहुत सुकून आएगा। थैंक्स। चलो अपना काम करो। क्या बात है, यहाँ ऐसे क्यों बैठो? खैरियत है सब? परेशान लग रहे हो कुछ? खैर इस घर में आए दिन नए नए तमाशे तो होते ही रहते हैं। अब आज शाम को ही देख लो, वो डॉक्टर नहीं आई हुई थी। फाखरा के तो काम ही ऐसे हैं। जो तमाशा आज शाम को फाखरा ने किया उसका मसला नहीं है। अगर जो खेल वो 22 साल पहले खेल चुकी है ना, वो खाया जा रहा है। कौन सा खेल? आलिया और मायरा के वक्त तो आप अस्पताल में मौजूद थी। कर हरीम की बारी आप नहीं थी? हाँ हाँ तो खैर से मेरा शिराज भी तो छोटा सा था ना, इसीलिए। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो ये सब?
तुम्हारी बीवी ने तो तुम्हें बेटे की नेमत दी ही नहीं, एक नहीं दो नहीं तीन तीन बेटियों का बोझ मेरे भाई के कंधों पे लाके डाल दिया। चार। चार बेटियां। चार? क्या कह रहे हो तुम? अब जिस रात हरीम पैदा हुई थी ना, उस दिन एक नहीं दो बेटियां पैदा हुई थी, एक हरीम और दूसरी का कोई अता पता नहीं है। अरे अरे झूठ बोलती है फाखरा, वो तो हमेशा से यही करती आई है, उसको वो तुम्हें अजियत दे रही है। वसीम हद ही हो गई भाई, अब तुम यहाँ बैठ के इस झूठी खबर को लेके कुढ़ते रहो और वहां फाखरा और उसकी बेटियां सुकून से सो रही हैं। ये ले पानी पिए। गुरु पहले ना आप मेरी सारी बातें मानते थे और अब एक भी नहीं मानते। क्यों? अब कौन सी बात है तेरी जो मैंने नहीं मानी? कब से कह रही हूँ आपसे डॉक्टर के पास चलने, आप जा रहे हैं? और मेरी बातों को ना मजाक में ना टाला करें। दिन ब दिन आपकी तबीयत और खराब होती जा रही है, खांसी बढ़ती जा रही है। और ये जो सिरप आपने अलमारी में मरियम से छुपा के रखे ना, इनका भी कोई असर नहीं दिख रहा मुझे। और तू फिक्र ना कर, करेंगे असर। गुरु फिर वही बात। गुरु मान जाए ना, वरना मैं ना मरियम को कॉल कर दूंगा। खबरदार जो उसको मेरी तबीयत के बारे में बताया, उसके रास्ते में नहीं आना। लेकिन गुरु वादा। अम्मी अबू को क्या हुआ है? क्या हुआ है तुम्हारे अबू को? और वो गए कहाँ है? बाहर चले गए, लेकिन आज सुबह से कुछ अजीब निगाहों से देख रहे हैं मुझे, जैसे कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन पूछा नहीं। क्या पूछेंगे तुमसे और तुम क्या बताओगी उन्हें? कुछ भी नहीं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। बता दूंगी मैं, एक दिन तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। ये मायरा कहाँ है? वो दूसरे कमरे में। किसी को कुछ बताना, तुम्हें बताया ना, अगर ये बात वसीम मामू को पता चले तुम्हें कितना मारेंगे। कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा, है ना? तो बस चुप।
वो आजकल बहुत परेशान परेशान सी रहती है, उसे अकेला मत छोड़ा कर। घर के हालात ने वैसे ही हम सबको जहनी मरीज तो बना ही दी। जी अम्मी, ये काम खत्म करके मैं उसके पास जा रही हूँ। किसी को कुछ मत बताना। अम्मी, क्या हुआ मायरा? क्या हुआ बेटा? घबराई हुई क्यों? कुछ हुआ है क्या? बेटा, डॉक्टर साहिबा, आप कहाँ थी? मैं आपको कब से कॉल कर रही थी। एक्चुअली आज मैं अलमारी की सफाई करवा रही थी तो मुझे वहाँ से वो फाइल मिली जिसकी आपको तलाश थी। ये देखें, इसमें वो डेट भी मौजूद है। दिखाएं। देखिए, इसमें डेट के सारे कागजात मौजूद है, सेम उन्हीं का नाम। थैंक यू सो मच। You're most welcome, ma'am. बस एक चम्मच ले ले। बाबा, क्या चल रहा है ये? कोई बात कर रहे थे ना आप लोग? क्या छुपा रहे हैं मुझसे? नहीं, कुछ भी तो नहीं। मगर मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपा रही है। कोई खुशखबरी? बाबा, आपको कैसे पता चल जाता है जब मैं खुश होती हूँ? बाप से ना बेटियों के गम छुपते हैं ना खुशियां। चलो भाई, बाप और बेटी की बातें शुरू हो गई तो मैं चाय बना लेता हूँ। सलमान चाचू, आप भी बैठे, मुझे आपको भी कुछ बताना है। अच्छा, तो फिर एक मिनट रुको, तुम भी यहाँ बैठो। अब बताओ, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से मेरे घर वालों को पता चल गया। ये देखिए, है ना खुशी की बात? हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात। हम कल सुबह इनसे मिलने चलेंगे, मेरे हॉस्पिटल के एरिया के पास ही है। बाबा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये बस वो मौसमी खांसी है। मैं आपको दवाई देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, सलमान ले आया था, अभी तो पिया तुम्हारे सामने। तुम परेशान लग रही हो, एक काम करो ना, तुम सालार को बुला लो कि वो तुम्हारे साथ चला जाए। कह दो कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ ठीक है बाबा, मैं सालार के साथ चली जाऊंगी। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि अभी आपको वहां पे जाना चाहिए। पता नहीं किस तरह के लोग आपसे कोई बदतमीजी ना करें। देखो, बेटियों को बापों की कितनी फिक्र होती है। अपनी तबीयत का ख्याल रखें प्लीज। क्यों, आप ठीक है? कौन बोले? कौन 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 बोले? कौन 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 कौन? नो 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 नो। हेलो। हाँ मैम, क्या हाल है?
मैंने तुम्हें एक बहुत जबरदस्त न्यूज सुनानी है। तुम तो बहुत खुश लग रही हो, बताओ। मुझे मेरे पेरेंट्स का एड्रेस मिल गया। What? Really? कल सुबह जब तुम मुझे पिक करने आओगे ना, तो सबसे पहले हम लोग वहां पर जाएंगे। हाँ हाँ पक्का, डन डन, परफेक्ट परफेक्ट। मरियम, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, यू नो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल से तुम्हारी तमाम मुश्किलात जो हैं वो आसान हो जाएंगी। आई होप सो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सालार, सुबह मिलते हैं। हाँ श्योर श्योर, बाय बाय। सालार, तुम इस गुरु की बच्ची को छोड़ नहीं सकते। इतना कुछ हो गया मगर तुम वहीं के वहीं हो। माँ, आपका सिर्फ ये कंसर्न था ना कि मरियम के पेरेंट्स कहाँ हैं, कौन हैं, कैसे लोग हैं, तो आपके इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। ऐसा क्या होने वाला है? मरियम ने अपने पेरेंट्स को ढूंढ निकाला है। आप खुश नहीं है? यही तो चाहती थी ना आप कि मरियम के असल पेरेंट्स मिल जाएं। माँ, हमें तो चाहिए था कि हम मरियम की तकलीफों को महसूस करते, उसने जो ये तकलीफें बर्दाश्त की हैं उसके लिए शाबाशी देते, उसके बाबा की कुर्बानियों को मानते। लेकिन हमने तो सब निग्लेक्ट कर दिया। क्या किया, धुतकारा उन्हें बाकी लोगों की तरह? क्या फर्क रह गया फिर हम में और बाकी लोगों में? क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? क्यों? पता नहीं। एक बात पूछूं गुरु? दिस रहिया, मुझे पता तो क्या पूछने वाली है। मैं जानबूझ के मरियम के साथ नहीं जा रही। लेकिन क्यों गुरु, आप तो हर कदम पे उसके साथ होते हैं। अभी भी उसके साथ ही हूं और मेरी दुआएं भी उसके साथ हैं। लेकिन सुरैया, मुझसे देखा नहीं जाएगा। पूरे 22 साल मुझे यकीन रहा है कि मरियम सिर्फ मेरी है। अब लगता है रुखसती का वक्त आ गया है। गुरु, हर बाप अपनी बेटी को कभी ना कभी रुखसत तो करता है ना। मैं इतना मजबूत बाप नहीं हूं सुरैया, मुझ में इतना हौसला नहीं है। अगर ऐसे ही था तो आपने मरियम को उसके खानदान तक क्यों पहुंचाया? आप चाहते तो रीना को उससे ना मिलवाते। मरियम का मुस्तकबिल इस माशरे में एक गुरु के साथ महफूज नहीं है। ये दुनिया एक गुरु को कभी बाप बनते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये दुनिया या तो सिर्फ मर्दों की है या औरतों की। हम तो पता नहीं, हम तो शायद आएंगे नहीं।